हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ एग बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी। यहाँ पर मैंने 5 एग्स बॉईल कर लिए हैं और इन्हें हल्दी और मिर्ची में कोट करके रख दिया है। आप चाहो तो डायरेक्ट भी डाल सकते हो ऑयल में, हल्दी मिर्ची में डायरेक्ट भी डालूंगी। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट भी डाल दी है हल्दी मिर्ची और उनको अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। जल्दी जल्दी फटाफट से मैं आप लोगों को ये दिखाऊँगी रेसिपी कि मैंने किस तरीके से बनाई है। और यहाँ पर मैंने 1.5 प्याज यहाँ पर काट के रख ली है। यहाँ पर खड़े मसाले लिए हैं मैंने, और यहाँ है धनिया, यहाँ पर 4 मिर्च जिन्हें मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, और 2 टमाटर लिए हैं मैंने मीडियम साइज़ के। तो यहाँ पर मेरे एग्स जो है वो बॉयल हो गए हैं, एग्स मैंने निकाल लिए हैं और फिर उसी ऑयल में मैं प्याज को भून लूँगी। इस प्याज को आपको अच्छे से भूनना है, बिल्कुल भी मतलब जलाना नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छे से भून लीजिए जैसे मैंने भुने हैं। उसके बाद तेज़पत्ता, दालचीनी और बड़ी इलायची में डाल दूँगी ऑयल में। आप चाहो तो लौंग भी डाल सकते हो, पर मुझे लौंग का टेस्ट पसंद नहीं है चावलों में। यहाँ पर मैंने हरी मिर्च भी डाल दी है 4, यानी कि 2 आधी कटी हुई, और ये वाली प्याज मैं बाद में डालूँगी। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं सारे मसाले, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला है यहाँ पर, चिकन मसाला है और मिर्च है थोड़ी सी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने खड़े मसालों के बाद प्याज डाल दी, उसे हल्का सा भुना है, जलाया नहीं है पहले वाली की तरह, और टमाटर डाल दिए हैं, टमाटर में नमक भी डाल दिया है। उसके बाद सारे मसाले डाल दिए हैं, टमाटर मेरा अच्छे से गल गया था और यहाँ पर मेरे मसाले भी अच्छे से भुन गए हैं। मसाले जब आपके अच्छे से भुन जाएंगे उसके बाद आपको इसमें डालना है दही। यहाँ पर मैंने दही डाल दिया है और फ्लेम बंद करके मैंने डाला है, क्योंकि मुझे डर रहता है कि मेरा दही कहीं फट ना जाए। आप अगर एक्सपर्ट हो चुके हैं बनाने में तो आप लो फ्लेम पर भी कर सकते हो ये काम। तो दही मैंने डाल दिया था, उसके बाद मैंने शूट किया इसलिए आपको मैं दिखा नहीं पाई, लेकिन मैंने दही डाला था। उसके बाद देखिए मसाले छोड़ने लगे हैं तेल। उसके बाद मैं यहाँ पर 1 गिलास पानी डालूँगी, ज़्यादा नहीं, और थोड़ा सा मैंने बाद में भी डाला था, आधा गिलास करीब। तो पानी डालने के बाद मैंने एग्स भी 5 रख दिए हैं उसमें, और फिर चावल डाले हैं, आधे चावल डाले हैं। आधे चावल डालने के बाद मैं ये भुनी हुई प्याज ऊपर से डालूंगी इसमें। आधे चावल इसीलिए डाले हैं क्योंकि बाकी के आधे मैं ऊपर से डालूंगी। तो प्याज मैंने डाल दी है यहाँ पर और थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था। उसके बाद मैंने बाकी के चावल डाल दिए हैं और उसके ऊपर मैं फिर बाकी की प्याज यहाँ पर डाल दूँगी। ऊपर से मैं डाल दूँगी ये धनिया, पुदीना और बाकी की हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए बन करके तैयार हो गई है 2 विसिल में ही केवल मेरी बढ़िया सी बिरयानी। कितनी बढ़िया बनी है ना, एकदम खिले खिले से चावल बने हैं। मैं आपको निकाल करके दिखाती हूँ। ये देखिए एग बिरयानी कितनी मस्त बनी है। दही के साथ आप इसे खा सकते हो, चाय के साथ खा सकते हो। मैं एग को आपको तोड़कर भी दिखा रही हूँ क्योंकि बिल्कुल अंदर तक हो गया है ये फ्राई, तो बहुत अच्छी बनी थी। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ऑयल गेंस के इंडिगो पाउडर का रिव्यू। इसको मैं यूज़ कर चुकी हूँ एक बार, लेकिन मैंने तब आप लोगों के लिए मतलब वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि मैं यूज़ करके देखना चाहती थी पहले से कि पहले इसका रिस्पॉन्स कैसा रहता है, उसके बाद मैं रिव्यू दूँगी कोई भी। तो अब मैं इसे यूज़ करने जा रही हूँ और आपको दिखाऊँगी स्टेप बाई स्टेप कि इसको कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले इसे यूज़ करने से पहले आपको हिना पाउडर ज़रूर अप्लाई करना है, यानी कि मेहंदी ज़रूर लगानी है अपने बालों में, वरना क्या होगा कि कलर नहीं देगा। ये ब्लू कलर का होता है और हिना होती है रेड कलर की, तो रेड और ब्लू मिलकर के तब ब्लैक कलर देता है आपके बालों में। कुछ ही करना है आपको, इसे लेना है जितनी भी क्वांटिटी आपको लेनी है अपने बालों में लगाने के लिए रिक्वायर्ड उतनी लेनी है, और इसे गर्म पानी में आपको डालना है। गर्म पानी में आधे घंटे आप इसको रख दीजिए और फिर अपने बालों में अप्लाई कर लीजिए। अगर आपको अच्छा कलर चाहिए तो 3 से 4 घंटे आपको लगाना पड़ेगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि किस तरीके से आपको इसको अप्लाई करना है और जिससे कि आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिल सके। उसके बाद मैंने यहाँ पर देखी लोहे की कढ़ाई ले ली है, इसी में मैं इंडिगो पाउडर अपना मिक्स करूँगी गर्म पानी में। गर्म पानी मैंने बराबर में रख लिया है करके, ज़्यादा बिल्कुल एकदम गर्म भी नहीं करना है आपको कि बिल्कुल ही कलर उड़ जाए उसका, हल्का सा गर्म करना है, गुनगुना करना है, और उसको आधे घंटे रख देना है बस। तो जितना रिक्वायर्ड है इंडिगो पाउडर मैंने ले लिया है उतना, और उसके बाद मैं इसमें धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा सा डालूंगी गर्म पानी। ज़्यादा एक साथ डल जाएगा तो फिर वो ज़्यादा पतला हो जाएगा, फिर वो टपकता है तो अच्छा नहीं लगता। वैसे इंडिगो पाउडर ना थोड़ा सा ड्राई होता है मेहंदी के अकॉर्डिंग, तो वो टपकेगा नहीं, क्योंकि मेहंदी थोड़ी सी शाइनी होती है, थोड़ी सी सिल्की होती है, आपके बालों को सिल्की बनाती है। थोड़ा सा ड्राई भी कर देगा तभी तो, जब ये ड्राई करेगा तभी तो वॉल्यूम आएगा आपके हेयर में। तो देखिए यहाँ पर पानी डाल रही हूँ धीरे धीरे करके, आप देख सकते हो उसका कलर एकदम अलग है मेहंदी से, और मैं इसीलिए सनलाइट मैं बना रही हूँ, नेचुरल लाइट में मतलब बना रही हूँ वीडियो को, ताकि आपको अच्छे से कलर दिखाई दे इसका। तो देखिए कितना अलग कलर है ना, और जब ये गर्म पानी में हो जाएगा ना आधे घंटे, तो उसका कलर एकदम ब्लू हो जाएगा, बिल्कुल डार्क ब्लू हो जाता है।
ब्लू और रेड मिलकर के हो जाते हैं ब्लैक आपके हेयर, और ये बिल्कुल नेचुरल वे है, आप इसको बिल्कुल ज़रूर ट्राई कर सकते हो, कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, मैं बिल्कुल गारंटी से कह रही हूँ। मैं कोई भी पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं इसे यूज़ कर चुकी हूँ बस इसलिए। तो अच्छे से मेरा मिक्स हो गया है इंडिगो पाउडर, ज़्यादा ना मैंने पतला किया है ना ज़्यादा मैंने गाढ़ा किया है, बहुत अच्छा होता है ये, डैंड्रफ भी आपका रिमूव करता है, जैसे मेहंदी काम करती है ना ठीक वैसे ही काम करता है, थोड़ा थोड़ा बस कलर दोनों का अलग होता है, एक का होता है ब्राउन एक का ब्लैक। इंडिगो पाउडर देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है वॉम वाटर में, उसको मैं आधे घंटे रख दूँगी और उसके बाद अप्लाई कर लूँगी अपने हेयर में और फिर देखते हैं कि किस तरीके का कलर आता है। वैसे मैं अप्लाई कर चुकी हूँ इसको एक बार, ब्लैक कलर आएगा, बहुत अच्छा ब्लैक कलर आएगा जिसको मतलब नॉर्मली नेचुरली चाहिए ब्लैक कलर, जो डाई वगैरह अप्लाई नहीं करना चाहते क्योंकि डाई से आपकी आंखों पर भी असर पड़ता है और आपके हेयर भी गिरने लगते हैं, जितने बच्चे कुचे भी होते हैं ना ब्लैक वो भी सारे वाइट हो जाते हैं, तो ये नेचुरल है जैसे मेहंदी होती है नेचुरल, ये नेचुरल उसी तरीके से है ये, और ये बिल्कुल नेचुरल है क्योंकि पेड़ों से बनाया जाता है, जैसे कि हिना एक ट्री प्रोडक्ट है वैसे ही ये भी ट्री प्रोडक्ट है, प्लांट प्रोडक्ट है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और चलिए तो फिर देखते हैं आधे घंटे बाद इसको अप्लाई करने के बाद की रिज़ल्ट कैसा निकलेगा, चाहे तो हिना पाउडर को और इंडिगो पाउडर को दोनों को एक साथ लेकर भी यूज़ कर सकते हैं, मैं अलग अलग यूज़ करती हूँ, एक दिन में हिना पाउडर लगाती हूँ दूसरे दिन में लीफ ये इंडिगो लीफ पाउडर लगाती हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आप चाहो तो आप इन दोनों को कंबाइन करके भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर तरीके की हेयर टाइप के लिए है ये एंड नेचुरल है। इंडिगो फेरा टिंक्टोरिया एक प्लांट होता है जिससे ये बनाया जाता है, जिसकी लीफ को पहले सड़ाया जाता है, गलाया जाता है, उसके बाद सुखाया जाता है, फिर सूखने के बाद उसको पीस करके ये पाउडर बनाया जाता है, तो बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, केमिकल्स बिल्कुल भी एडिड नहीं है इसमें, लेकिन आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये ना एक्सटर्नल यूज़ के लिए है, आपको इंटरनली इसे यूज़ नहीं करना है। और इसका जो प्राइस है वो 257 रुपीज़ है, ये 100 ग्राम है, वेट में इसका 100 ग्राम है। ऑल्सो आपको ये क्या क्या बेनिफिट्स देता है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि प्रिवेंट्स प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, मतलब पहले से जिस किसी के बाल ग्रे होने स्टार्ट हो जाते हैं ना, वाइट होने स्टार्ट हो जाते हैं, उनको प्रिवेंट करता है, प्रमोट्स हेयर ग्रोथ, आपके हेयर ग्रोथ को अच्छा करता है, डैंड्रफ को कम करता है, डल आपका ड्राई हेयर है, डल हेयर है उनको मॉइस्चराइज करता है, ऑल्सो आपकी हेयर वॉल्यूम जो है उसको इंक्रीज़ करता है, हेयर वॉल्यूम बहुत अच्छा हो जाता है इसे लगाने के बाद, मैं लगा चुकी हूँ इसको। शर्मा गई शैली के डैडी डैडी भी शर्मा गए आगे डैडी तो देखिए मैं इसको अपने बालों में अप्लाई कर रही हूँ, आपके हेयर बिल्कुल ड्राई होने चाहिए, कोई भी चीज़ आप अप्लाई करो चाहे हिना करो चाहे इंडिगो पाउडर करो, बिल्कुल ड्राई होने चाहिए आपके हेयर, नहीं तो कलर नहीं आएगा। और मेरे जो आपको ब्राउन ब्राउन से स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं ना साइड में, देखिए ये भी बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं इसको अप्लाई कर लूँगी पूरी तरीके से। तो वीडियो को मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है क्योंकि लास्ट टाइम मैं हिना कैसे अप्लाई करती हूँ वो मैंने दिखा दिया था ब्रश से, बाद में ये थोड़ा सा रह गया था तो मैंने हाथ से भी लगा लिया था सर में, आप ग्लव्स की हेल्प से भी लगा सकते हो, हैंड से भी लगा सकते हो, ब्रश से, जैसे आपको सूटेबल लगे, जैसे आपको कम्फर्टेबल लगे उस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी मेरे ब्राउन स्ट्रैंड्स हैं और जितनी भी मेरी जो हेयर हैं वो मैं सब लगा लिया है, बाकी पीछे थोड़ा सा पोर्शन रह गया था क्योंकि थोड़ा सा कम पड़ गया था, क्योंकि थोड़ा सा मोटा होता है ना ये, जैसे मेहंदी होती है ना सिल्की सिल्की सी, वैसा नहीं होता ये, ये थोड़ा सा खड़ा खड़ा सा होता है, तो इसको थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में लेना पड़ता है आपको, लेकिन कोई नहीं, मेरे को जितना चाहिए था रिक्वायर्ड था एक्सपेरिमेंट के लिए उतना मैंने ले लिया है आगे की तरफ। और चलिए अब हेयर वॉश कर लेते हैं क्योंकि मैंने ऐसे छोड़ दिया था 2 घंटे, उसके बाद मैंने अपने हेयर को अच्छे से वॉश कर लिया है, और बिल्कुल भी रहना नहीं चाहिए आपके बालों में ये, नहीं तो क्या होता है कि बाल गंदे हो जाते हैं ना, फिर कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो बिल्कुल भी कोई मेहंदी हो या इंडिगो पाउडर हो बिल्कुल अच्छे से वॉश करना है आपको प्लेंटी ऑफ वाटर से अपने हेयर को। तो यहाँ पर मैंने हेयर वॉश कर लिए हैं
और मैंने शैम्पू से वॉश किए थे अपने हेयर, उसके बाद मैंने इंडिगो पाउडर अप्लाई किया है। तो जितना मैं आंवला शिकाकाई से धोकर के इंडिगो पाउडर अप्लाई करती हूँ ना, उतना ज़्यादा रफ़ नहीं हुए हैं, क्योंकि मैंने शैम्पू अप्लाई किया था, डव शैम्पू मैंने लगाया था। तो देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको कि मेरे जो स्ट्रैंड्स थे ना साइड के, अभी मैं साइड के स्ट्रैंड्स भी दिखाऊँगी, देखिए बिल्कुल ब्लैक हो गए हैं, नेचुरल ब्लैक हो गए हैं। ये देखिए साइड के स्ट्रैंड्स मेरे बिल्कुल ब्लैक हो गए हैं, मैंने कोई कलर फिल्टर यूज़ नहीं किया है वीडियो में, आप देख सकते हैं। ये थोड़ा सा मैंने 2 घंटे लगाया है ना, तो थोड़ा सा शाम का टाइम हो गया था, लेकिन कलर फिल्टर बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, बिल्कुल नेचुरल मैं आपको दिखा रही हूँ। जो भी है आप बिल्कुल इसको एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है, और मैं पक्का गारंटी के साथ कह सकती हूँ बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, कोई केमिकल एडेड नहीं है इसमें। इंडिगो पाउडर की आपको बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब पर और भी मिल जाएंगे, अगर आप मेरी वीडियो से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। अमेजिंग रिजल्ट मिले हैं देखिए मुझे इस इंडिगो पाउडर से। अभी मेरे बाल काफ़ी गीले हैं क्योंकि अभी मैंने वॉश किए हैं, लेकिन आप देख सकते हो कि कलर बिल्कुल ब्लैक है, मैंने बिल्कुल भी कोई कलर फिल्टर यूज़ नहीं किया है वीडियो में, बिल्कुल ब्लैक कलर के हो गए हैं मेरे हेयर। आप यूज़ करके देखिए, आपको खुद से रिजल्ट पता चल जाएगा। आपको बाइंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट अमेजोन पर अवेलेबल है, ओनली 297 रुपीज़ का है ये, बहुत ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल नेचुरल हेयर डाई है। अगर आपको ब्राउन कलर नहीं पसंद है जो मेहंदी से आता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ब्लैक कलर देगा ये आपको, नेचुरली देगा, सबसे बड़ी बात ये है। नहीं तो क्या होता है कि हम तरह तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं ना अपने हेयर के लिए, तो फिर हमारे हेयर भी डैमेज होने लगते हैं। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप घर पर रहिए, सेफ रहिए, टेक केयर, बाय बाय।